सर एक पैशन था बाइक राइडिंग करना, कन्याकुमारी तक जाना एक ड्रीम था, और पंजाब में फीमेल बाइकर्स कम हैं, उनके लिए एक मैसेज था कि हमें करना चाहिए। तो हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक मैसेज देना था, वो आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वैक्सीनेशन ही है, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो दोबारा फिर अबाउट टू नॉर्मल हुई है। किलोमीटर का सफर रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी तक का। जब तक मैं घर जाऊंगी तो 8000 किलोमीटर नियर अबाउट हो जाएंगे मेरे को। बाइक राइडिंग एक पैशन बन चुका है और युवा इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है, लेकिन अब महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो वो भी अब इस पैशन को अपनाना शुरू हो चुके हैं। और मेरे साथ अंबिका सोनी जी हैं जो कि जलंधर की रहने वाली हैं और ये भी एक बाइक राइडर हैं, और इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र जो है वो तय किया, और सफ़र करने का मकसद क्या है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। अंबिका सोनी जी इस समय जम्मू में मौजूद है और मेरे साथ हैं इस समय। अंबिका जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपने इतना बड़ा सफ़र जो है वो अपने अकेले। धन्यवाद। मैम, किस क्यों लगा कि आपको कोविड वैक्सीनेशन, एक तो अवेयरनेस लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी हैं, लेकिन आपको क्यों लगा कि आपको इस तरह की बाइक राइडिंग करके जो है वो एक मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाना है? सर एक पैशन था बाइक राइडिंग करना, कन्याकुमारी तक जाना एक ड्रीम था, और पंजाब में फीमेल बाइकर्स कम हैं, उनके लिए एक मैसेज था कि हमें करना चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज था। उसके अलावा ये मैसेजेस फिर भी एक दायरे तक सीमित रह जाते थे। जो हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक मैसेज देना था, वो आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वैक्सीनेशन ही है, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो दोबारा फिर अबाउट टू नॉर्मल हुई है। तो इस मैसेज को मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि इसको ही लेके निकलना चाहिए। तो कैसा लगा आपको, कितने दिनों का ये सफ़र था और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इतने दिनों का आपका? मेरे को 18 दिन लग गए इस सफ़र को, मतलब मेरे को फिक्स डेट नहीं पता थी। तो किसी दिन मैंने 300 किलोमीटर चलाया, किसी दिन 350, 600, 700 किलोमीटर भी एक दिन में बाइक चलाने को मिली। स्टे करते थे हम रास्ते में, स्टॉपेज थे होते थे छोटे छोटे, तो ऐसे करके ये सारा सफ़र रहा मेरा। लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी तक का? जब तक मैं घर जाऊंगी तो 8000 किलोमीटर नियर अबाउट हो जाएंगे मेरे को। 8000 किलोमीटर का अकेले सफ़र तय आपने किया है। महिलाएं भी, महिलाएं की अगर बात करूँ तो इस तरह की चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलती। आपने एक संदेश दिया उन महिलाओं को जो बाइक राइडिंग करने से डरती हैं। सर डरना, डर अपने मन का ही होता है। डर अगर आप कुछ प्रैक्टिकली करते हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलता है, अगर आपने पॉजिटिव थॉट लेके चले हो तो। डर अपने मन का ही होता है, बाहर दुनिया में कोई डर नहीं है, सब अपने भाई बहन नहीं हैं, कोई ऐसे नहीं है कि कोई आपको डरने की ज़रूरत हो। परिवार वालों का कितना साथ रहा है? उन्होंने कहा नहीं कि नहीं यार आप अकेले कहाँ जाओगे इतनी दूर, महिला हैं घर बैठो, क्या फ़ायदा है ये सब करने का? घर वालों का कितना, किस तरह का सहयोग रहा? शुरू से मैं अपने डिसीज़न मेकर रही हूँ, खुद डिसीज़न लेती हूँ, और डिसीज़न पॉजिटिव हमेशा होते हैं। सोसाइटी में जो जाता है मैसेज वो भी पॉजिटिव ही होता है, तो घर वालों को पता है मेरी नेचर कैसी है, इसने जो कर ठान लिया है वो करेगी। तो कितने तो साल हो गए आपको साथ में? कितने साल हो गए आपको ये बाइक चलाते हुए? 3-4 साल हो गए सर बाइक चलाते हुए मेरे। सिर्फ 3-4 साल ही हुए आपको बाइक चलाते हुए? वैसे छोटी मोटी जैसे हस्बैंड की बाइक हो गई या ब्रदर की बाइक हो गई तो गेड़ी वेड़ी मार लेते थे, लेकिन अभी जो सोचा था कि इतनी बड़ी गेड़ी मारने का मौका मिलेगा कभी? हाँ सर, मन में तो था लेकिन टाइम नहीं था। अभी थोड़ा टाइम फ्री था मेरे पास तो मैंने फिर अभी सोचा कि इसको अचीव किया जाए। तो जब जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट यहाँ पर पहुँचते थे, किन किन जगहों पर आपको रोका गया कि आपके पास वैक्सीनेशन है, आपने डोज लगाई भी हैं कि नहीं, किन किन स्टेटों में आपने ये सब देखा आपने? बाकी स्टेट्स पे तो नहीं कोई भी पूछा गया, जैसे जब कश्मीर पे एंट्री हुई है तो यहाँ पे कठुआ बॉर्डर पे आपको ज़रूर पूछते हैं, इवन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका चेक करते हैं। अदर बाकी स्टेट्स पे किसी भी एंट्री पे कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ। ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं पूछा जाता मेरे को? तो आपने कठुआ बॉर्डर पे जाके पूछा कि क्या कारण है? मैं तो पूरा इंडिया घूम कर आई हूँ, किसी ने हमें रोका नहीं, तो फिर यहाँ पर क्यों रोका जा रहा? आपने पूछने का प्रयास किया? मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन को पहले देख रहे हैं, कि अगर कोई बाहर की स्टेट का बंदा एंटर हो रहा है तो गाड़ी नंबर से पता चल जाता है कि किसी दूसरे स्टेट की गाड़ी है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा उनका जो भी चेकिंग का सिस्टम था, इवन कि वो एंड्रॉयड फ़ोन या दूसरा फ़ोन जो भी है वो चेक कर रहे थे पुलिस वाले। तो वहाँ पे आई थिंक बॉर्डर पे कुछ वैक्सीनेशन लगाने के लिए बैठे भी हुए थे बंदे, तो आई लाइक दैट। आपने जब अपने जम्मू कश्मीर के बाहर जब
दूसरे राज्य में अभी यहाँ पर पहुँचे, क्या लगा? लोग मास्क पहनते हैं अभी भी, जिन्होंने नहीं पहना क्या आप उन्होंने समझाने? क्योंकि मैं भी कई बार जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में गया हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर लोग मास्क बहुत कम पहनते हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मेरे को देखने को ये मिला है कि जब भी पब्लिक में आप जाते हो या किसी जगह पे बैठे हो तो सभी ने मास्क वेयर किए हुए हैं, जो कि बहुत ही अपने आप को सेफ रखने का एक तरीका है। इससे अपने आप को भी सेफ्टी मिलती है, दूसरे को भी मिलती है। अदर स्टेट में ये चीज़ें थोड़ी सी कम है, लोग बस रुमाल बांध लेते हैं और एक वो है कि आपका चालान होगा तो उसके डर से भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, अदरवाइज़ अंदर से एक जो प्रोटेक्शन का वो कम है। ये कह सकती हूँ कि जम्मू गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। क्या किस तरह का एक्सपीरियंस तो आपने अपना शेयर किया है कि सबसे खूबसूरत क्या लगा आपको, क्योंकि पूरे भारत का सफ़र आपने तय किया, अकेले आपने तय किया, सबसे खूबसूरत अगर कोई स्टेट आपको लगी हो वो कौन सी लगी? सर हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक एक स्पेशलिटी है, बहुत अच्छी लगी सभी स्टेट्स। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, आगरा तक तो हम लोग विजिट करते रहते हैं। उसके बाद जो आगे के स्टेट्स शुरू होते हैं साउथ के, वहाँ पे भी सर बहुत खूबसूरती है। वो एक गीत है ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो वाकई में मेरे को इस जर्नी के दौरान ये फील हुआ कि नहीं, हर एक जगह पे मतलब जो व्यूज़ हैं वो चेंज होते हैं, वो जो स्टेट है उसका पहरावा चेंज होता है, लोगों का जो है वो ड्रेसअप सेंस चेंज है, तो बहुत सुंदर है सब। कभी आपको दोबारा किसी स्टेट में जाने का मौका मिला, सबसे पहले आप कहाँ पर जाना चाहोगी? अब मैं कन्याकुमारी दोबारा फिर विजिट करना चाहूँगी, साउथ में ज़रूर जाना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे विजिट करना। क्या सबसे अच्छा क्या लगा आपको वहाँ पे, साउथ की बात करें तो? लोग सर बहुत साधारण है, सिंपल है, उनका वे ऑफ लिविंग बहुत सिंपल है। जैसे पंजाब में लोग बहुत ही मतलब ड्रेसअप सेंस उनका या कह सकते हैं कि वो स्टाइल में रहते हैं, बट वहाँ पे लोग बहुत सिंपल हैं। शायद पॉकेट में पैसे बहुत होंगे बट उनका सिंपल सिटी को देखते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर कैसा लगा आपको, क्योंकि पहली भी आप कई बार जम्मू आ चुकी होंगे कि नेबरिंग स्टेट में आप रहती हैं, तो कैसा लगा जम्मू कश्मीर आपको? स्पीचलेस ऑलवेज सर, ये तो ताज है इंडिया का और इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, इसको तो एक्सप्लोर किया ही नहीं जा सकता कंप्लीट कि ये हम पूरा देख पाएं, बहुत अच्छा है। सही है, आखिर में चलते चलते उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस तरह की एडवेंचर चीज़ें करने से डरती हैं, उनके जहन में आते हैं कि नहीं हम कभी ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे? सर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत है बस, आई कैन ओनली से दैट कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, अपने आप को सही रख के चलिए तो दुनिया आपके साथ है, घर वाले भी आपके साथ हैं, सारी सोसाइटी आपकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे साझा करने के लिए। तो अंबिका सोनी जी हैं जो कि जलंधर की रहने वाली हैं, जिन्होंने एक हिस्टोरिकल बाइक राइड की है और ये बाइक राइड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने जो है वो सफ़र तय किया है, और लगे ये सफ़र जो है मात्र 18 दिनों में ये सफ़र इन्होंने तय किया है, और मकसद सिर्फ एक कि पूरे देश भर में कोविड वैक्सीनेशन जो है वो होनी चाहिए। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।